हेलो दोस्तों, स्टडी ऑफ फार्मा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में आप लोग को हम लोग चर्चा कर चुके थे साइज रिडक्शंस के बारे में, साइज रिडक्शंस का इम्पोर्टेंस, साइज रिडक्शंस का मैकेनिज्म और साइज रिडक्शंस का उपयोग कहाँ करते हैं, साइज रिडक्शंस क्यों करते हैं, वो पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग साइज रिडक्शंस मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। साइज रिडक्शंस मेथड जो होता है वो तीन प्रकार का मेथड होता है, हैमर्स मिल्स, बॉल मिल्स और फ्लूड एनर्जी मिल्स। यह तीन मिल्स मुख्यतः हम लोग को पढ़ना है जो बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे हैमर्स मिल्स के बारे में। तो हैमर्स मिल्स क्या होता है, आइए हैमर्स मिल्स के बारे में चर्चा करते हैं। हैमर्स मिल्स जो होता है इसका जो प्रिंसिपल्स होता है वो इम्पैक्ट पे काम करता है। हैमर मिल्स का कंस्ट्रक्शंस देखें, कंस्ट्रक्शंस ऑफ हैमर्स मिल्स। हैमर्स मिल्स में एक हॉपर लगा होता है, ये हो गया हमारा हॉपर और ये इसमें जो ड्रग्स है वह बल्क ड्रग्स डालेंगे हम, और यह इसका कंस्ट्रक्शन में ये जो हो गया यह जैकेट बॉल होता है। जो हैमर्स में इसमें रबरिंग किया जाता है और यह जो होता है हैमर्स होते हैं और ये जो है यह हमारा रोलर शाफ्ट होता है। यहाँ एक स्क्रीन लगा होता है और उसके नीचे रिसीवर होता है स्क्रीन। हैमर्स मीन्स वर्किंग कैसे करता है, ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया कि एक हॉपर होते हैं जिसमें हॉपर्स में हम किसी बल्क ड्रग्स को डालते हैं, एक जैकेट बॉल्स होता है जो उसको रबरिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि वह लोहे के बने होते हैं। तो जब ये ड्रग्स उस पर जाएगा तो उसका जो मॉइस्चर कंटेंट का लोहे का जो रेजिस्ट होता है वो कंटेंट कर लेता है, इसीलिए इस पर रबर लगाया जाता है। हैमर्स होते हैं, हैमर्स का काम, अब इसका वर्किंग क्या होता है, एक हैमर्स होते हैं, एक रोलर शाफ्ट होते हैं, स्क्रीन होते हैं, रिसीवर होते हैं, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। हैमर्स का वर्किंग क्या होता है, वर्किंग की बात की जाए तो वर्किंग हम इस तरह करेंगे कि हैमर्स मिल्स वह मिल्स है जिसमें होपर के माध्यम से हम किसी बल्क ड्रग को डालेंगे। जैसे एग्जाम्पल कि आप चक्की आटा पिसाने गए होंगे तो चक्की में क्या होता है, ऊपर से होपर लगा होता है, उसमें गेहूं डालते हैं तो वो होपर के थ्रू नीचे आते हैं मिल में, चक्की में, और वह आटा को क्या करता है, इम्पैक्ट पीसता। तो यह क्या हो गया, हैमर्स मिल का एग्जांपल इस तरह के। उसके नीचे जो होता है एक स्क्रीन होता है जिसे क्या होता है आटा को बाहर किया जाता है और रिसीवर्स होते हैं। तो ये हमारा वर्किंग होता है जिसका जो प्रिंसिपल है, सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है, तो यह प्रिंसिपल जो होता है इसका इम्पैक्ट पे काम करता है। जो हैमर्स होगा इसमें मटेरियल्स को ऊपर डालेंगे तो हैमर्स क्या करेगा, वह मटेरियल पे इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव डालेगा, चोट लगाएगा, तब तो पार्टिकल का साइज छोटा होगा, तो पार्टिकल का साइज छोटा होगा यानी कि इम्पैक्ट पे काम करेगा। इसका वर्किंग की बात की जाए तो किसी भी बल्क ड्रग को हैमर के थ्रू हम डालेंगे तो हैमर्स जो होगा हमारा होपर के माध्यम से डालेंगे तो हैमर्स क्या होगा हमारा रोलिंग करेगा। जब वह रोटेट करेगा तो जितने भी पार्टिकल का साइज होगा, बड़े बड़े कोर्स पार्टिकल्स, वह छोटा होता जाएगा। और यहाँ जो स्क्रीन है, यह स्क्रीन जो छलने होता है जो हमें डिपेंड करेगा कि हमको किस प्रकार का पार्टिकल्स को स्क्रिप्ट यानी कि रिसीवर में भेजना है, उस प्रकार का हम छलने का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि छोटे पाउडर के फॉर्म में तो ना होगा, तो पाउडर बनाने के लिए हम पाउडर वाले छलने का उपयोग करेंगे, उससे थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल्स के लिए दूसरे स्क्रीन का यूज करेंगे, सिप का यूज करेंगे। तो जब तक यहाँ पार्टिकल्स छोटा ना हो जाए वहाँ तक हैमर्स जो होता है वो रोटेट करता है, हैमर्स रोटेट करेगा और वहाँ पार्टिकल्स का इस स्क्रीन यानी कि सिप के माध्यम से पार्टिकल रिसीवर में आ जाएगा, ये वर्किंग हो गया। एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज की बात की जाए, एडवांटेज का मतलब होता है कि विशेषता। किसी भी मशीन को या किसी भी इक्विपमेंट को चलाते हैं तो इसकी कुछ ना कुछ विशेषता होती है। इसकी विशेषता ये है कि इस मिल के माध्यम से
जो बड़े बड़े कोर्स पार्टिकल्स होते हैं, बल्क ड्रग्स होते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसकी पार्टिकल्स को छोटा कर देंगे, उसकी पार्टिकल्स को छोटा कर देंगे, जिसमें हार्ड मटेरियल होगा, हार्ड मटेरियल, टाइट मटेरियल, उस पार्टिकल, इस हैमर मिल के माध्यम से हार्ड मटेरियल्स को भी तोड़ सकते हैं। इस माध्यम से जो हाई स्पीड होगा, जितना स्पीड में ये हैमर्स मूव करेगा, उतना स्पीड में पार्टिकल्स का को हम तोड़ सकते हैं। तो यह डिपेंड्स करता है कि कितना स्पीड से हमको इस मशीन्स को चलाना है, कितना स्पीड इसका मेंटेन कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज आइए, डिसएडवांटेज क्या होता है इस मशीन का, डिसएडवांटेज इस मशीन्स का क्या होता है, कोई भी मशीन्स का कुछ ना कुछ विशेषता होता है तो कुछ नुकसान भी होता है। तो इसका डिसएडवांटेज है कि यह नॉइजिंग ज़्यादा करता है, यह मशीन सुनाइजिंग ज़्यादा करता है, और ज़्यादा देर तक यह मशीन चलने से हॉट हो जाता है, गर्म ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए इस मशीन को थोड़ी देर के बाद बंद भी किया जाता है। और यह मशीन जो हॉट ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको मेंटेनेंस करने के लिए थोड़ी देर के बाद इसे हम बंद कर देते हैं। तो ये हैमर्स मिल्स के बारे में जानकारी हो गया। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बॉल मिल्स और फ्लूड एनर्जी मिल्स के बारे में। जब तक देखते रहिए हमारा चैनल, नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए इतना ही।